सो हेलो गाइस, आज है होली। तो गाइस, सबसे पहले आपको हैप्पी होली। सबसे पहले नहीं, बस आपको हैप्पी होली, और खुश रहो और मज़े से होली खेलो, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा यार प्यार सपोर्ट दो, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो। जिन बंदों को नहीं पता कि वन टैप हेडशॉट क्या होता है, तो गाइस वन टैप हेडशॉट वो होता है जैसे ही मतलब आपने फायर बटन दबाया और एनिमी को हेडशॉट लग गया, तो गाइस उसको वन टैप हेडशॉट बोलते हैं। तो गाइस इसके लिए कुछ सेटिंग है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका भी वन टैप हेडशॉट लगने लगेगा। तो गाइस ड्रैगनोव या कोई भी गन हो गई, आप किसी भी गन से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। बेसिकली ड्रैगनोव से मतलब मारना आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। वैसे तो आप मतलब कि जो ये गन है, दो वाली गन है, इससे तो कोई भी बंदा मार लेता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ड्रैगनोव से कैसे मार सकते हो। तो गाइस आप सबसे पहले तो देख लो कि बंदे को हेडशॉट पड़ रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ कि कैसे हेडशॉट मार सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी देख, सो गाइज सबसे पहले तो आपको इस एम की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है गाइज। इसको आपको कहाँ पे रखना है, इसको हमेशा यहाँ पे रखना है, ठीक है गाइज। जैसे आप जंप कर दो ना, तब भी आपका एम यहीं पे रहना चाहिए, ना कि आपका धरती में एम चले जाना चाहिए, ठीक है। आपका एम हमेशा ऐसे रहना चाहिए, आपके सर के पास, ऐसे नहीं जाना चाहिए नीचे, ठीक है। तो जैसे आप फायर करते हो ना, आपका एम नीचे चला जाता है, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसको ऐसे ही आपको ऊपर रखना है, ठीक है, इसको ऐसे रखना है अपने सर के पास। जैसे आप फायर करो तब भी आपका सर के पास रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड नंबर टिप आती है वो गाइज ये है, जो गाइज आपका ये मूविंग बटन होता है, जहाँ पे आप, मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ, इसको आपको ना नीचे की तरफ क्राउच करना है, ठीक है। और नीचे की तरफ बस आपको एक बार क्राउच करना है, बस एक बार क्राउच किया तो आपका एम ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो आपके सर से ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कि एनिमी के सर के पास पहुंच जाएगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो हमारा सेकंड नंबर स्टेप ये हो गया। इसके बाद जो गाइज हमारा थर्ड नंबर स्टेप आता है, वो आता है ये आपका फायर बटन, ठीक है गाइज। आपको इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। आप इसको साइड में स्लाइड कर देते हो या नीचे स्लाइड कर देते हो, वो तो वैसे आप कंडीशन के हिसाब से करते हो, बट गाइज आपको क्या करना है, पहले तो मूविंग बटन से इसको क्राउच करना है नीचे, देन उसके बाद आपका जो लेफ्ट फायर बटन होता है, इसको ऊपर की तरफ क्राउच करना है कुछ इस तरह से, ठीक है गाइज। पूरी फास्टली से एक आपको करना है। जैसे ही बंदे पे मतलब एम लॉक होने लगे ना, तो तुरंत से आपको अपना जो फायर बटन है इसको ऊपर की तरफ क्राउच करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से क्राउच कर रहा हूँ। तो गाइज आपको भी सिंपली इसी तरह से क्राउच करना है, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले तो आप इस क्लिप को फास्ट में देखो, और फिर मैं आपको स्लो मोशन में आराम से समझाता हूँ कि कैसे किया मैंने, ठीक है। देख ली गाइज। सो गाइज यहाँ पर देखना गाइज, जो आपका फर्स्ट नंबर स्टेप है वो है मूविंग बटन, ठीक है। सेकंड आपका एम और थर्ड आपका फायर। तो गाइज यहाँ पर देखो गाइज मैं कैसे करता हूँ। तो देखो गाइज मैंने मूविंग बटन को कैसे क्राउच कर रहा हूँ, नीचे की तरफ क्राउच किया, ठीक है गाइज। मेरा एम मतलब उसके सर के पास चला गया क्राउच करने से, देन मैंने मतलब एम चला गया सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे मैंने फायर बटन को ऊपर की तरफ क्राउच कर दिया, तो बंदे को हेडशॉट लग गया, ठीक है गाइज। अभी और भी क्लिक बाकी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। और गाइज ये हेडशॉट किसी भी गन से लग सकता है, तो आप किसी भी गन से मार सकते हो, ठीक है गाइज। तो आप ना इस क्लिप को एकदम ध्यान से देखो फास्ट में, देन मैं आपको स्लो मोशन में समझाता हूँ, तो गाइज इसके बाद आप एकदम से समझ जाओगे, ठीक है गाइज। तो आपने देख लिया फास्ट में, अभी स्लो मोशन में देखना। सो गाइज आप मेरा फर्स्ट नंबर स्टेप देखो, मूविंग बटन, मैं उसको किस तरह से नीचे की तरफ क्राउच करता हूँ, देन मेरा एम है जो सेकंड नंबर पे, उसको देखना गाइज मैं बंदे को ऊपर लेके गया। जो मेरा थर्ड नंबर स्टेप है, फायर बटन को ऊपर की तरफ क्राउच किया, तो बंदे को हेडशॉट लग गया। तो गाइज बहुत सिंपल है, आप भी वन टैप हेडशॉट ऐसे ही मार सकते हो, ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करके एक शेयर जरूर कर देना गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज। तो शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।